हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं आलू शुक्ला, परीक्षा प्लस में आपका स्वागत है। अभी आपकी जितनी भी क्लासेस हुई, उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने देख लिया होगा उसे बहुत अच्छे से। जो नए हैं चैनल पे, मैं उसे फिर से बोल रहा हूँ कि सबसे पहले बाकी के वीडियो देखें, फिर इस वीडियो पे आएँ, क्योंकि 20 से आप देखेंगे तो कुछ नहीं समझ में आना, अगर आप एक एक करके देखेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। हम इस सिलसिले को फिर से आगे लेके चलते हैं और आज कुछ नया कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए, हमने पूरे टाइम एंड वर्क चैप्टर में टाइम बेस्ड यानी डेज बेस्ड के सारे क्वेश्चन किए। अभी टाइम एंड वर्क चैप्टर में एक आपका पार्ट और आता है पाइप एंड सिस्टम, पाइप और पानी की टंकी, है ना। बहुत मेजर पार्ट है, अच्छा पार्ट है। इसके साथ एक पार्ट और आता है वर्क एंड बेसिस, कार्य और भत्ता, ये भी एक पार्ट होता है। तो आज की क्लास में हम पाइप एंड सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसे समझने के लिए मैं आपसे तो पहली बात बता दूं कि जो अभी तक आप पढ़ते आए हो उससे कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ सेम वही है। जो आपने सीख लिया, अगर वहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो समझ लिए यहाँ पे भी एकदम सब कुछ वही है। जिनका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है वो जाके फिर से वीडियो देख ले, फिर ये देखें। हम इसे शुरुआत करते हैं पाइप एंड सिस्टम। ठीक है, पाइप मतलब कोई पाइप लगी है, टूटी से भी इसे कहते हैं, टैप से भी बोल सकते हैं, प्रश्न में जैसा भी लगते हैं। सिस्टम क्या होता है, पानी की टंकी होती है, टंकी और कुछ नहीं, वो छत के ऊपर जो आपकी रखी रहती है सिंटैक्स वाली, ये वही टंकी है। कैसे भी टैंक हो सकता है, कभी कभी हिंदी में हौज यूज कर लेता है शब्द, तो कुछ भी हो, टंकी मतलब ये और पाइप मतलब आपका ये। ठीक, समझ में आ गया। तो बस देखिए, इस पे हमें बेस्ड क्वेश्चन होता है, कैसे क्वेश्चन बनाता है एग्जाम में। बहुत बच्चे क्वेश्चन देखे भी होंगे, जो नहीं देखे हैं वो अभी समझ जाएंगे कैसे क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन सीधा से कहेगा कि कोई पाइप ए है जो किसी खाली टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। ठीक, कोई पाइप बी है जो उसी खाली टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। मतलब इस खाली टंकी में, अभी ये टंकी पूरी की पूरी खाली है, बात समझ में आ गई। इसमें पाइप ए को लगा दिया जाए, केवल ए को, तो 10 घंटे लगाएगी इसे भरने में। अगर पाइप बी को लगा दिया जाए तो 12 घंटे लगाएगी इसे भरने में। यदि दोनों पाइप को एक साथ लगा दिया जाए तो कितने समय लगेंगे भरने में। तो बस कुछ अलग नहीं है, जो पाइप है यहां पे वो वहां पे क्या होता था, आदमी होता था, है ना। समय आपका वही है और जो कार्य होता था वो और कुछ नहीं है, इस बार क्या है, टंकी है। उसकी कितना पानी भरा जाना है वो है। तो बस इसमें भी कॉन्सेप्ट वही है, जो आपको यहां पे लिखा मिल गया वहीं से आप स्टार्ट कर दीजिए। ए 10 घंटे में भर सकता है, बी 12 घंटे में भर सकता है, दोनों कैल्शियम लेंगे 60, ये आएगा 6, ये आएगा 5, दोनों मिलकर करेंगे 11, तो 60/11 आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा 11/55, 5/11 ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो फिर पाइप एंड सिस्टम अलग से टॉपिक क्यों बन गई अगर सब कुछ वही है। हाँ, थोड़ा सा अंतर है, अंतर कहाँ है वो आप समझिए, अंतर यहाँ पे है। अभी ये ऐसा बोले कि किसी खाली टैंक को पाइप ए 10 घंटे में भर सकता है और पाइप बी एक खाली करने वाली पाइप है ना। जो बी है वो एक खाली करने वाली पाइप है जो एक भरे टैंक को, एक भरे टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है। क्लियर, या मान लीजिए 12 घंटे में ही खाली कर सकता है, ऐसा बोल दिया। ए जो है वो 10 घंटे में भर सकता है और बी जो है वो 12 घंटे में भरे टैंक को खाली कर सकता है। तो ये अगर दोनों पाइप एक साथ खोली जाए तो टैंक कितने देर में भरेगा, समझ में आ गई बात। देखते हैं, एलसीएम लेंगे तो 60, यहाँ पे ये 6, यहाँ पे 5, अंतर कहाँ पे आएगा इस बार, क्योंकि ये निगेटिव कार्य कर रहा है, क्योंकि ये पानी, ये बी ऊपर से नहीं लगेगा इस बार, इस बार बी नीचे से लगेगा। क्यों, क्योंकि उसे पानी को खाली करना है। तो अगर पानी को खाली करना है तो पाइप नीचे होगी, और क्योंकि वो कार्य बिगाड़ रही है, ए टैंक को भर रहा है तो पॉजिटिव कार्य कर रहा है ना, काम बना रहा है, और बी उसे खाली कर रहा है तो बी काम को बिगाड़ रहा है, और जो काम बिगाड़ता है उसे हम निगेटिव का नजर से देखते हैं, तो इसे क्या हो दे देंगे, निगेटिव दे देंगे। आगे बात समझ में, वो कार्य पॉजिटिव कर रहा है तो इसलिए 6, ये कार्य बिगाड़ रहा है इसलिए -5, दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। अब
किसी खाली टैंक में दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो ये 6 काम करेगा, ये 5 बिगाड़ देगा, तो एक घंटे में कितना काम बचेगा? 1। यानी एक घंटे में अगर ये 6 लीटर पानी डालता है और ये 5 लीटर निकाल देता है तो इस टैंक में कितना पानी रह जाएगा? 1 लीटर। तो कार्य है टोटल 60, करने का रेट है 1, कितना टाइम बच्चे लगेगा? 60 घंटे इसे लग जाएंगे टैंक को भरने। समझ में आ गया? बस बेसिक सा डिफरेंस इतना ही है इस चैप्टर में, जो वहां पे पॉजिटिव होता था वो यहाँ पे क्या है? निगेटिव है। ऐसे ही क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा और से बढ़ाते हैं, समझते चलते हैं, इसके सारे केसेस यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से, ताकि आपको समझ में आ जाए। अभी हमने केवल 2 की बात किया। अभी मान लो कोई पाइप ए है 10 घंटे में भर सकता है, बी 12 घंटे में भर सकता है, और सी कोई पाइप है वो 15 घंटे में खाली कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, ए भर सकता है, बी भी भर सकता है, और सी क्या कर सकता है? खाली कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, फिर से इसका एलसीएम लेंगे, 10 12 15 का एलसीएम क्या जाएगा? 60 आएगा, ये 6, ये 5 और ये 15 सौ। लेकिन क्योंकि ये कार्य बिगाड़ रहा है इसलिए हम क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे। अब ये बोले कि किसी खाली टैंक में अगर तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो जो दो भरेंगे ए बी यहाँ है और जो खाली करेगा वो यहाँ है, सी यहाँ है। बात समझ में आ गई आपको? तो ठीक है, अगर तीनों साथ खोल दिए जाएंगे तो ये 6 5 11 काम बनाएंगे और ये 4 काम बिगाड़ेंगे, तो 6 5 11 11 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 7। बात समझ में आ गई? यानी एक घंटे में कुल कितना काम होगा? 7। ये 6 काम करेगा, ये 5 काम करेगा, 4 काम बिगाड़ेगा, तो कुल कार्य करने का रेट हो जाएगा 7। कार्य करना कितना किया जाना है? 60, तो हो जाएगा 60/7, तो 8 से ही 4/7 ये आपका क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। तो पाइप 2 हो या पाइप 3 हो, जहां पर नेगेटिव हो नेगेटिव ले लेंगे, जहां पर पॉजिटिव हो पॉजिटिव ले लेंगे, ऐसा हमारा होता चला जाएगा। इसी में अभी ऐसा समझिए कि मान लीजिए कोई पाइप ए है जो 10 घंटे में भरता है और पाइप बी है जो 6 घंटे में ही खाली कर देता है, ये भर रहा है और ये खाली कर दे रहा है। तो अभी देखिएगा, हम इसे बी कर देते हैं, है ना, ये 10 घंटे में भर रहा है, ये 6 में खाली कर रहा है, अगर एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा, ये 6 आएगा और ये 10 आएगा, इसके साथ निगेटिव होगा। एक बात बताइए, अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो क्या कभी ऐसा कंडीशन आएगा कि पूरा टंकी भर जाए? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो 6 लीटर पानी डाल रहा है और ये 10 लीटर निकाल दे रहा है, तो जितना वो डाल नहीं पा रहा है उससे ज्यादा ये पानी निकाल दे रहा है, तो कभी आपके टंकी भर सकती है क्या? कभी नहीं भर सकती है। तो यहाँ पे वो क्या प्रश्न बनाएगा, बोलेगा किसी भरे टैंक में एक साथ दोनों को खोल दिया जाए तो टैंक कितने देर में खाली हो जाएगा, टैंक कितने देर में, टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। तो बस दोनों को ले लिया जाए तो कितना आएगा? -4। कार्य कितना किया जाना है? 60/-4, यानी कि -15। ये माइनस बता रहा है कि टंकी क्या हो रही है? खाली हो रही है। कितने देर में? 15 घंटे में। तो भरे टंकी में अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो भी 15 घंटे में ये पूरी की पूरी टंकी क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। ऐसी बात क्लियर है? तो क्वेश्चन कंडीशंस के हिसाब से बनते रहते हैं, उसमें कुछ नया नहीं करता। एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, भाषा पे आपकी पकड़ अच्छे से बन जाती है, तो आप सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही स्मूथली लगा सकते हो। आप अपने विवेक का थोड़ा सा यूज करो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, सब कुछ समझ में आएगा। इससे अच्छा चैप्टर, इससे आसान चैप्टर और इससे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर पूरे मैथ्स में कोई नहीं है। बाकी चैप्टर क्या है ना कि अगर आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस छोड़ दोगे तो भूल जाओगे, लेकिन ये चैप्टर टाइम एंड वर्क एक ऐसा चैप्टर है जिसमें अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप उसे जिंदगी में नहीं भूलने वाले हो। सब कुछ एकदम रटा रटाया रहेगा, ठीक, बस आपको अपना हाथ चलाते रहना है। इसके कुछ और कंडीशंस को हम डिस्कस कर लेते हैं, अभी मान लीजिए कि कोई पाइप ए है वो 12 घंटे में भरती है, पाइप बी 15 घंटे में भरती है और पाइप सी 20 घंटे में खाली करती है, ठीक। कंडीशन क्या दे रहा है कि शाम के 3 बजे 3 PM पे ए को ओपन किया जाता है, ठीक, 5 बजे बी को ओपन किया जाता है और शाम को 7 बजे सी को ओपन किया जाता है और ए और बी को क्लोज कर दिया जाता है। समझिएगा, क्वेश्चन ये है कि ए एक ऐसा पाइप है जो अकेले किसी खाली टैंक को 12 घंटे में भर सकता है,
बी एक ऐसा पाइप है जो अकेले एक खाली टैंक को 15 घंटे में भर सकता है, और सी एक ऐसा पाइप है जो भरे टैंक को अकेले 20 घंटे में खाली कर सकता है। तो ठीक है, अगर सी खाली कर सकता है तो ये माइनस लेके चलेगा, इतना दिमाग में रखिएगा। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपका 60 आएगा, 12 पंचे 60, 15 चौके 60, 20 तिहाई 60, लेकिन इसके साथ क्या माइनस। अब कंडीशन पे आते हैं, जब शाम के 3 बजे तब पाइप कौन सी खोली गई, ए डायमंड वर्क की लाइन आपको याद है ना, बस उसका थोड़ा हेल्प लेते हैं। जब 3 बजे तो ए खोला गया, और कितने बजे से, 3 बजे से 5 बजे तक, ये 3 बज रहे हैं, ये 5 बज रहे हैं, और ये 7 बज रहे हैं, समझिएगा। जब 3 बजे पाइप ए को खोला गया तो 3 से 5 तक तो पाइप अकेला ही खुला हुआ है, तो ये तो पॉजिटिव कार्य कर रहा है। कितना, एक घंटे में अगर 5 लीटर पानी डाल रहा है तो 2 घंटे में कितना डाल देगा भाई, 3 से 5 में 2 घंटे बीतेंगे तो 2 घंटे में कितना डाल देगा, 10 लीटर। 10 लीटर पानी इसने टैंक में डाल दिया। टैंक अभी तक आपकी ये खाली थी, अभी 3 बजे खाली थी, 5 बजे 10 लीटर इसमें पानी आ गया। समझ में आ रहा है, एकदम फिगर से समझते चलेंगे क्वेश्चन को, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर 5 बजे क्या कंडीशन बना, टैप बी को भी ओपन कर दिया गया। कहीं ये बताया है कि ए क्लोज हुआ है, ए बंद नहीं हुआ, बी भी ओपन कर दिया गया, तो यहाँ के और यहाँ के बीच में कौन कार्य करेगा, ए और बी दोनों कार्य करेंगे। तो ए एक घंटे में 5 कार्य करता है, बी 4 कार्य करता है, दोनों मिलकर 9 कार्य करते हैं, और यहाँ से यहाँ तक समय कितना बीता, 2 घंटा। तो एक घंटे में 9 कार्य करेंगे तो 2 घंटे में 9 दूनी 18 कार्य करेंगे, यानी 18 कार्य यहाँ होगा। मतलब 10 लीटर तो यहाँ भर गया, 18 लीटर यहाँ भर गया, तो ये टोटल कितना हो गया, यहाँ 18 और 10 28 लीटर टंकी भर गई, 10 और 18 28 लीटर की टंकी भर गई। अब क्या कह रहा है, ए और बी को क्लोज कर दिया जा रहा है और सी को ओपन कर दिया जा रहा है, तो इस बीच में कार्य कौन करेगा, सी करेगा। लेकिन यहाँ भी डिफरेंस क्या है टाइम एंड वर्क के लाइन में, अभी सी काम बना नहीं रहा है, सी काम बिगाड़ रहा है, तो बस यहीं से सी कार्य को बिगाड़ना चालू कर दे। कितना कार्य बिगाड़ेगा, जितना काम बना है वो। बच्चे क्या गलती करते हैं, उसने क्वेश्चन पूछा कि सी आखिर कितना टाइम लेगा टैंक को खाली करने में, है ना, क्वेश्चन पूछा कि सी कितना समय लेगा टैंक को खाली करने में। वो क्या करेंगे, 10 8 18 28 करेंगे, और इस 60 में से 28 को माइनस कर देंगे, बचेगा कितना 32, और 32 बटे, क्योंकि अब भाई उनके दिमाग में ये बना होता है, समझिएगा, उनके दिमाग में बना होता है कि अब यहां से कार्य कितना बचा, 32 कार्य बचा, और 32 कार्य को करने वाला कौन है, सी, तो वो सीधा 32 बटे क्या बोल देंगे, 3, और सीधा वो 10 से ही 2 बटे 3 उत्तर दे देंगे। और एग्जाम में भी आपके ऑप्शन ए 10 सही 2 बटे 3 ही दिया रहेगा, आपको फंसाने के लिए, आपको गलत कराने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी समझिएगा, जो यहां पे ये 60 होता था उसमें वो होता था अनुमानित कार्य, मैंने बोला था 60 हो सकता है, 120 हो सकता है, 100 कुछ भी हो सकता है, 60 का कोई भी मल्टीपल हो सकता है, हम सबसे छोटा लेते हैं ताकि आपका कैलकुलेशन क्या हो, सबसे कम हो। लेकिन यहां पे ये 60 क्या है, ये बात समझिएगा, ये 60 इसकी कैपेसिटी बता रहा है, ये बता रहा है कि 60 लीटर हो सकता है या 60 से ज्यादा इस टंकी का वॉल्यूम हो सकता है, आयतन हो सकता है, उसकी धारिता हो सकती है, लेकिन कार्य 60 नहीं है, कार्य कितना है, 28 है, ये 10 ये 18 ये जो पानी भर गया ये आपका कार्य है। तो जो सी करेगा ये 32 कार्य नहीं करेगा, 60 माइनस 32, सी जो करेगा ये 28 कार्य करेगा। तो इसका उत्तर ये आएगा कि सी को खाली करने में 28 बटे 3 समय लेगा, यानी कितना, 9 सही 1 बटे 3। आगे बात समझ में, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन में आप गलती मत करिएगा, जिन्हें ना समझ में आई हो वो वीडियो फिर से रिवर्स करके देख ले, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और बच्चे यहाँ पे गलतियां कर जाते हैं पानी की टंकी में। थोड़ा सा अलग यहीं पे आता है, इसमें जब आपका 3 टैप हो, एक भर रहा है, दूसरा भी भर रहा है, तीसरा खाली कर रहा है, तो जो खाली करेगा वो और कुछ नहीं खाली करेगा, इसी भरे हुए पानी को ही खाली करेगा। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई है बात, अगर क्लियर हो गई है तो बहुत अच्छी बात है, बताते रहा करो आप, हाँ कि ना, कोई नहीं सुन रहा फिर भी आप बोलिए हाँ सर समझ में आ रही है, ठीक है ना, आपको अंदर से थोड़ा पॉजिटिविटी आएगी। नहीं आता तो आप तुरंत कमेंट करिए कि नहीं समझ में आया, है ना, 3 बार 4 बार 5 बार पीछे जाके देखिए, आप आजाद हो, यूट्यूब है ना,
पीछे ऑप्शन होता है 10 सेकंड पीछे जाके, दो बार टैप करेंगे 20 सेकंड पीछे चले जाएंगे। तो ये कर लिया करिए आप, ठीक। यहाँ पे तो आज़ादी है, बोलना भी नहीं किसी से कि एक बार फिर से समझा दीजिए। ऑफलाइन में क्या होता है, बच्चे बोलते हैं सर फिर से समझा दीजिए, एक बार बताना पड़ता है, फिर बोलते फिर से समझा दीजिए, फिर बताना पड़ता है, फिर बोलते फिर से समझा दीजिए, तो ये तो चलता रहता है। लेकिन आप यहाँ पे आज़ाद हो, खुद से कर लिया करो। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को हम समझते आएंगे। तो ये टाइम बेस्ड पे क्वेश्चन दे सकता है आपको, 3 बजे खोल जाता है, 5 बजे। अब ये क्वेश्चन क्या होता है ना, ये टफ लेवल में आते हैं। मैंने बोला ना कि 30-40% आपका पेपर आसान होता है, और फिर 30% ही 40% आपका क्या होता है, टफ होता है, और 20-25% लगभग आपका टफ लेवल में देता है। ये आसान, ये मॉडरेट, और ये टफ लेवल में देते हैं। तो ये क्वेश्चन इस कैटेगरी में आते हैं। लेकिन आपको एक बात समझ में आ जाएगा ना, तो ये क्वेश्चन भी आपको इस कैटेगरी के नहीं लगेंगे, ये क्वेश्चन आपको इस कैटेगरी के लगेंगे। बस कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, बस थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा भले करा लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है आसान वैल्यू दे देगा। जब वो कॉन्सेप्ट ज्यादा बिल्ड करेगा तो आसान वैल्यू दे देगा आपको, रटा रटाया वैल्यू आ जाएगी, और फिर आप केवल अपना कॉन्सेप्ट लगाओ, कॉन्सेप्ट मत गलत करो। तो इसका उत्तर ये नहीं, इसका उत्तर ये, बात क्लियर है। चलिए, अभी इसमें कुछ टाइप की क्वेश्चन और पूछ लेता है, मैं आपको समझा दे रहा हूं कैसे पूछता है वो। क्वेश्चन ये देगा कि ए किसी खाली टंकी को 10 घंटे में भर लेता है। मैं वैल्यू बार बार वही ले रहा हूं ताकि आपको एक बार समझ में आ जाए, रट जाए चीजें। ए जो है किसी खाली टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। फिर बोलेगा कि बी एक पाइप है जो टंकी को 50 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से खाली करती है। कितना? 50 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से खाली करती है। फिर यह पूछेगा कि यदि बी उसी टैंक को 6 घंटे में खाली कर दे तो उसकी धारिता कितनी है? क्या धारिता कितनी है? या ऐसा बोल दे कि जब दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए, दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में, ए प्लस बी साथ में खोल दिए तो टंकी को भरने में 12 घंटे लग जाते हैं। कह रहा है कि ए किसी टंकी को 10 घंटे में भर दे रहा है, और बी के साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में 12 घंटे लग जाते हैं। यदि बी का जो रेट है, बी पाइप से 50 लीटर प्रति घंटा के हिसाब से पानी निकालता हो, 50 लीटर प्रति घंटा के हिसाब से पानी उसमें से निकलता हो, तो टैंक की धारिता कितनी है, कैपेसिटी कितनी है? बस इतना सा क्वेश्चन है। आप समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। भाई ए किसी काम को 10 घंटे में कर रहा है और साथ मिलके 12 घंटे ले रहे हैं। पहले क्या होता था, साथ मिलते थे तो ये समय कम होता था, लेकिन अभी ज्यादा हो रहा है। क्यों ज्यादा हो रहा है? क्योंकि बी जो है वो निगेटिव वर्क कर रहा है। कैसे? समझिएगा, इसका एलसीएम क्या आएगा? 60, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 5। दोनों की इफिशियंसी 5 है जोड़ के कार्य क्षमता, और ए अकेले की 6 है, तो अगर हम इसमें से इसे माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा? माइनस का ए, और जो ये आएगा ये कुछ और नहीं आएगा, ये बी की क्या आएगी? धारिता आएगी। क्लियर? तो अगर बी इस पूरे भरे टैंक को खाली करना हो तो कितना समय लेगा? 60/1 यानी कि 60 घंटे लेगा। आप समझिएगा, वो क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछा है कि कितना समय लेगा बी खाली करने में, उसने एक इन्फॉर्मेशन दी है आपको। क्या इन्फॉर्मेशन दी है? कि बी जो है वो ऐसी पाइप है जो 50 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से पानी निकालती है, और 60 घंटे में पूरी टंकी खाली कर देती है। तो बस यही पे एकदम फिगर से समझिए, ये आपकी टंकी पूरी भरी हुई है, यहां पे पाइप भी लगी हुई है जो 50 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से पानी निकाल रही है, और इस टैंक को खाली करने में इसे कितना लग रहा है? 60 घंटे लग रहा है। तो अगर एक घंटे में 50 लीटर निकाल रहा है पानी, तो 60 घंटे में कितना निकालेगा? 60 × 50, समझ में आई? यानी कि 3000 लीटर पानी निकाल देगा, और पानी निकालेगा कहां से? इसी टंकी से। तो जितना पानी निकलेगा वही तो उसकी धारिता होगी। बात समझ में आएगी? बस जब भी धारिता आपको निकालना हुआ करे तो रेट आपको दिया रहेगा, और रेट को कुल उसके टोटल टाइम से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? कैपेसिटी मिल जाएगा। या आप कहीं लिख भी लो स्टार बना के, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपसे ऐसे गुणा कर लेंगे, आपका क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पाइप और टंकी के कुछ क्वेश्चन थे। बहुत अच्छे टॉपिक ये भी है, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। इसी में अल्टरनेट डेज भी कर सकता है, वो कुछ अलग सा नहीं है, इसी में दे देगा। मैं एक डिस्कस कर ले रहा हूँ, है ना, कुछ अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है, आप खुद से इसे लगाइएगा, मैं बता दे रहा हूँ।
कि मान लो ए कोई पाइप है वो 10 घंटे में भर सकता है, बी कोई पाइप है वो 12 घंटे में भर सकता है, सी 15 घंटे में खाली कर सकता है। तो सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे 6, 5 और 4, लेकिन ये खाली कर रहा है तो माइनस। वो बोलेगा कि पहले घंटे में ए और बी खोला जाए, पहले घंटे में ए खोला जाए, दूसरे घंटे में बी खोला जाए और तीसरे घंटे में सी को खोला जाए और फिर ये प्रोसेस रिपीट किया जाए। तो खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? अभी अल्टरनेट डेज है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, साइकिल 3 की चल रही है, पहले में कितना कार्य होगा? 6 लीटर भरेगा, दूसरे में 5 लीटर भरेगा। लेकिन अगली बार सी आएगा तो सी क्या करेगा? जो टैंक भर गया है उसे खाली करेगा। तो भरा कितना पिछले 2 घंटे में? 11। अगले घंटे में 11 में से 4 माइनस कर देगा तो कितना होगा? 7। अगर ये माइनस 4 कर देगा तो बचेगा कितना? 7। तो बस 3 घंटे में, ये पहला घंटा, ये दूसरा घंटा, ये तीसरा घंटा, 3 घंटे में कितना कार्य हुआ? 6, 5, 11 माइनस 4, 7 कार्य हुआ। कार्य कितना किया जाना है? 60। तो आए उसके करीब, 8 से गुणा कर दें या भी 8 से गुणा कर दें, ये हो जाएगा 24 दिन और ये हो जाएगा 56। कार्य बचा है 4, कौन खुलेगा? ए खुलेगा। तो बस 24 दिन तो ये सीधा सीधा हो गया और जो 4 कार्य बचा था उसे ए करेगा 4/6, यानी 24 सही 2/3 घंटे में कार्य पर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो बस ऐसे क्वेश्चन, पूरा सब कुछ वही है, पूरा टाइम एंड वर्क है पाइप एंड सिस्टम में, कुछ अलग सा नहीं है। बस जहाँ पे चीज़ें खाली कर रही हो, निगेटिव वर्क का हो, वहाँ पर क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। ऐसा नहीं है, वो एग्जाम में ये भी कर सकता है ना कि इस माइनस की इफिशियंसी यूज करने के लिए ऐसा बोल सकता है कि कोई 2 लड़के हैं या 2 आदमी एक घंटे में इतनी ऊंची दीवार बनाते हैं, अगले घंटे में एक आदमी आता है जो दीवार गिरा देता है। तो कोई जरूरी नहीं कि पानी की टंकी में ही माइनस की यूज होगी इफिशियंसी। जहां भी कार्य बिगड़ रहा होगा, जहां भी कार्य गलत हो रहा होगा, जो बना बनाया कार्य को और कम कर रहा होगा, वहीं पर निगेटिव कार्य क्षमता का कॉन्सेप्ट आ जाएगा और वहां पर आप लगा देंगे। तो ये सारे टॉपिक हम बहुत अच्छे से टाइम एंड वर्क भी समझ लिए, पाइप एंड सिस्टम भी समझ लिए। एक टॉपिक आपका और बचा है वर्क एंड वेजेस, जो एक क्लास में आपका कुछ ही मिनट की वीडियो बनेगी, उसमें हो जाएगा आपका टाइम एंड वर्क चैप्टर। बहुत अच्छे से हम फिनिश किए हैं, कोशिश करिए कि आप इसे लगाइए। डिस्क्रिप्शन में ही आपका सीट की लिंक दे दी गई है, आप वहाँ से सीट डाउनलोड कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक दी हुई है, वहाँ पर आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट दिया जाता रहता है ताकि आप समय समय पर उसे प्रैक्टिस करते रहें। टेस्ट सीरीज वगैरह अगर आपको करना है तो हमारी वेबसाइट parikshaplus.com पे जा सकते हैं, वहाँ पे UP SSSC लोअर मेंस की भी टेस्ट सीरीज हम लॉन्च कर रहे हैं, वो भी आपको मिल जाएगी। UPSI आने वाली है, उसका भी लॉन्च करेंगे, जूनियर असिस्टेंट का चल ही रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। प्लस इसके अलावा भी अगर आप कुछ भी पूछना चाह रहे हो या अलग से कोई क्वेरीज है तो व्हाट्सएप नंबर इसे डिस्क्रिप्शन में लिंक में लगा होता है, किसी भी नंबर पे कोई भी आप क्वेरी डाल सकते हो, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। और इसके अलावा भी अगर आप फिर भी हमसे हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ना चाहते हो तो वहाँ पे भी आपका मोस्ट वेलकम है। धन्यवाद।